उपमंडल नदौन की एक महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। महिला ने टांडा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा। पीड़िता को स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने पर टांडा रेफर कर दिया गया था। टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू के कारण हुई मौत के बाद नदौन अस्पताल में हड़कंप मच गया है। चिकित्सकों ने मुंह पर मास्क लगाकर रोगियों की जांच शुरू कर दी है, साथ ही कई मरीजों ने भी मुंह पर मास्क लगाकर उपचार करवाया। स्वाइन फ्लू से हुई महिला की मौत से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने मृतिका के परिजनों और महिला को देखने पहुंचे सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को दवाइयां पिलाने का निर्णय लिया है। वहीं SMO डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि मृतिका के परिजनों और सगे संबंधी रिश्तेदारों को दवाइयां पिलाई जाएंगी, जिससे अन्य लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में न आएं। स्वाइन फ्लू के लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में अपनी जाँच करवाएं। उन्होंने बताया कि मृतक महिला में स्वाइन फ्लू के लक्षण होने पर उन्हें टेस्ट के लिए टांडा रेफर किया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई। हाँ, स्वाइन फ्लू से अभी हुआ है लाइमलाइट एक केस, बट क्योंकि स्वाइन फ्लू इस वक्त हमारी स्टेट में अगर देखा जाए तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, खास करके एज पर रिपोर्ट्स अपर शिमला में थोड़ा इसका ज्यादा है। हमारे यहाँ अभी इक्का दुक्का केस ही नोट हुए, टांडा का केस नोट हुआ, इससे ये नदौन का, इसके बाद इससे पहले भी एक केस नोटेड था। बट एज फार एज मैं RH हमीरपुर की बात करूंगी तो हमारे पास नो डाउट स्वाइन फ्लू के लक्षणों के केसेस तो आ रहे हैं सिमिलैरिटी के, पर अभी तक एज पर रिकॉर्ड कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है और हमारी टीम को हमने अवगत करा दिया हुआ है, क्योंकि और खास करके अपने स्टाफ मेंबर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए कि मास्क लगा के बैठे, अपनी प्रिवेंशन करें, आंखों में चश्मा लगा लें, ताकि मतलब ये जिन जिन चीज़ों से जिसे ड्रॉपलेट से फैलता है, ताकि एटलीस्ट हमारा स्टाफ भी प्रोटेक्टेड रहे, स्टाफ प्रोटेक्ट थोड़ा पेशेंट को देखने से पहले, पेशेंट को डील करने से पहले थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। और मोरओवर एज पर ये तो है हमारी जो प्रिवेंटिव मेजर है, एज इन द हॉस्पिटल यू कैन से हमारे पास जो स्वाइन फ्लू की ट्रीटमेंट की मेडिसिन हैं वो अवेलेबल हैं, और हमने एक स्वाइन फ्लू के लिए एक रूम तैयार करा के रखा है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई इस ढंग से कोई अगर कोई डीलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको डील कर सकेंगे। गौरतलब है कि जिला हमीरपुर में 2 माह में स्वाइन फ्लू से दूसरी मौत हो गई है। जिला में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों से जिला की जनता में हड़कंप है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले पाया है। 2 मामले सामने आने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक न तो जिले की किसी पंचायत में स्वाइन फ्लू जागरूकता अभियान चलाया है और न ही लोगों को इस बीमारी के लक्षणों और बचाव के बारे में कोई जानकारी दी गई है।